वामर हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इस बार ना अभी शाम का वक्त है, मतलब यहाँ तो शाम कह सकते हो, रात के 10 बजे है मॉस्को की टाइम में। इंडिया 12:30 बज गए रह गए रात के। हॉस्टल से बाहर निकला क्योंकि हॉस्टल में मेरे को एक फ्रेंड मिल गए, जनाब मिल गए, जो पाकिस्तान से ही है लेकिन रहते दुबई में। राइट, 10 साल हो गए दुबई में उनको। ये है अहमद भाई। हाय फ्रेंड्स। तो ये हॉस्टल में थे, मेरे रूम में ही थे। तो आज दोपहर में मुलाकात हुई तो काफ़ी सारी बातें हुई, तो बहुत बातें हुई। तो इनका तो क्या सीन हुआ कि ये आए, ठीक है चलो चीप में आए, दुबई से आए। इनके पास पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर है ये बेसिकली। और क्या है ना कि ये अपने फ्रेंड के साथ आने वाले थे, लेकिन फ्रेंड की फ़्लाइट दूसरी थी, इनकी फ़्लाइट दूसरी पहले थी। ये आ गए, पहुँच गए। इनको इमिग्रेशन, आपको कितना टाइम लगा? मुझे मैक्सिमम 30 मिनट्स। इनको 30 मिनट्स लगे और ये बाहर आ गए। इनके फ्रेंड की फ़्लाइट की लैंडिंग हुई 1 बजे, है ना जी? आज सुबह दोपहर में 1 बजे लैंडिंग हुई है। और अब तक कोई अता पता नहीं है। रात के 10 बजे, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे ही है बेसिकली, सिम कार्ड वगैरह नहीं है। और एयरपोर्ट पे इंटरनेट का भी लोचा है मॉस्को एयरपोर्ट में, बता दूँ, वाईफाई का लोचा है एक्चुअली बहुत बड़ा। क्योंकि वहाँ पे ना कोड वर्ड मांगते, जो रशियन नंबर होना चाहिए और रशियन लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं है, तो वो दिक्कत हो जाती है। और पहले मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले माहौल टूरिस्ट ही था, अभी माहौल टूरिस्ट ही नहीं है, तो सब थोड़ा वो वैसा करके रखा है इन्होंने। तो अब तक वो एयरपोर्ट पे अटके हुए हैं। तो रीज़न इज़ सिंपल दैट माहौल ऐसा है कि थोड़ा इमिग्रेशन में पंगा हो रहा है, है ना? और वो पाकिस्तानी, नाइजीरियन और 5-6 कंट्रीज़ ऐसी हैं, हाँ, जिनके साथ वो स्पेशली ये मसला बना रहे हैं। अच्छा। और उनको नहीं आने दे रहे, लेट कर रहे हैं, 5-6 घंटे का वेट है। अब देखें अब क्या होता है आगे दोस्त के साथ हमारे। इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 18,000 रुपये में रिटर्न टिकट मिल गई इनको, और इधर मैं 15,000 या 16,000 में सिर्फ सिंगल टिकट लेके आया, और जाने की कोई टिकट नहीं है। और अभी मैं अगर टिकट देखता हूँ तो सब 40,000 रुपया, मॉस्को टू दिल्ली सब 38,000 रुपीज़। मतलब बाप रे, मतलब वीज़ा एक्सपायर होने से पहले निकलना तो है ही, या फिर दूसरी कंट्री नसीब से किर्गिस्तान वगैरह का वीज़ा टाइम से आ जाए। क्योंकि भाई साहब ऑलमोस्ट 1 मंथ होने आ गया किर्गिस्तान वीज़ा का, कोई अता पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उज़्बेकिस्तान वीज़ा भी मैंने अप्लाई किया है, वो भी आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए ना। तो रशियन वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आना चाहिए, लेकिन आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, वरना 10,000 तो फिर 40,000 लगेगी। हो सकता है उस टाइम और भी भाव बढ़ जाए, किसने देखा है, कोई पता। तो बहुत रिस्क में हूँ मैं भी, लेकिन ठीक है, इतना अभी सोचूंगा तो इन्जॉय कैसे कर पाऊँगा, बात यही है। What's this? Pressures. English की? So. What is this light? Warmer. Warmer. So what's your name? Ziana. So she's like a tarot card reader, and when I saw this specially, so I was like कि मेरे को भी अभी देखना है कि कैसे tarot card reading होती है और मेरे नसीब में है क्या. I don't understand. So I am saying to my viewers that let's see my luck. Okay. So can you please start? What do you wanna know? About my love life and. And financial. What? Financial and love life. Okay. One card. Okay. Okay. One finger and. It's about love or finance or money. Love. Okay. Okay, it's five of swords. What is this? It's a bad card. You will find your love not soon. You have to wait. Till when? What? Till when I have to wait? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. Till when I have to wait? Oh, I don't know. Maybe 1 month or 1 year. 1 month, 1 year. That's it. It's very less time. I mean, it's okay. एक महीने का इंतजार कर सकते हम. It's hard to speak with you and speak about cards on English, you know. Okay. So basically, I will get my love. After some time, like I have to wait for my true love, right? Yeah. Okay. अगर ट्रू लव मिल जाता है जिस पे लॉयल्टी का कोई इश्यू ना हो तो ठीक है, हम वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अभी मेरे को फाइनेंस. नाउ टेल मी अबाउट माय फाइनेंशियल. ओके, वन कार्ड. या. You were like lucky guy. Lucky guy? Yeah. Some money awaits you. Yeah. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Some money is waiting for me. Yeah. How big amount? How much you want? I don't know. I have very less hunger for money. So this is my card, 5 of cups. और ये मोहतरमा कह रही है प्यार के चक्कर में आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है ट्रू लव के लिए, लेकिन आपको पैसे का कोई दिक्कत नहीं होगा आगे. फाइनेंशियल विल बी स्ट्रांग, राइट? फाइनेंशियल विल बी स्ट्रांग. यही तो चाहिए, प्यार तो ठीक है. Well, you will be rich guy without a girl, but wait a month or a year. You will find the true love. That's one girl, one woman. Yeah. I'm kind of that kind of person only. Only one girl. That's it. Oh, you will find your girl. Lucky very one. Soon. Like you like guy, you rich guy will be soon. Wow. बहुत जल्दी अमीर बनने वाला हूँ तो सोच रहा हूँ क्या करूँ. जैसे ही दुबई खुले, दुबई जाके वो लकी ड्रॉ नहीं होता जिसमें 20 करोड़ 18 करोड़ जीतते, वो टिकट ले लेता हूँ. What's your name again? And tell. I'm Diana. Diana. के मुंह में घी शक्कर. What? When someone says good about you, okay. So in return, we say them that your mouth should be filled with sweets. Sweets. Sugar, sweets. Sugar. No. Yeah. Sugar, sweets. I am. No. What? You told good about me. Right. You told good about. You sweet. You sugar. I don't know. Thank you Diana so much. दया दिखाने के लिए बहुत अच्छी दया दिखाई आपने and अच्छी चीज़ें बोली. मैं तो खुश हो गया, दिल खुश हो गया. I'm very happy. God bless you. Bye. Thank you God that you bless me. Yeah, God will bless you. Bye. तो रोवेस्निक में ना फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में इतना मज़ा नहीं है। ठीक है, पब्लिक अभी थोड़ी जा रही है, लेकिन क्या है ना, टाइम अभी 11 बजने को ही है, इसलिए कोई ज़्यादा रात नहीं हुई है कि पब्लिक खचाखच भरी हुई है ऊपर वगैरह। हाँ, नीचे भरी हुई है, नीचे ग्राउंड में इन्जॉय हो रहा है फुल, थोड़ी एक्टिविटीज़ भी हो रही है, डांस भी हो रहा है, डीजे बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर में इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम भी नीचे ही जाते, फिर नीचे ही इन्जॉय करते हैं। आप बाहर देख सकते हो अभी भी कितनी भीड़ है रोवेस्निक क्लब के, और सब यंगस्टर्स, टोटली यंगस्टर्स, जो भी स्टूडेंट्स है या फिर कह सकते हो कि यंग क्राउड है ना, बेसिकली यंगस्टर यंग क्राउड सब एक है। मैं भी क्या घुमा फिरा के, तो बहुत अच्छी क्राउड आती है और इजीली यू कैन मेक फ्रेंड्स, यू कैन टॉक विद देम एंड दोज पीपल अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। ये सबसे बड़ी बात है, अगर जो जगह पे आप जाते हो जहाँ पब्लिक ऐसी हो जहाँ इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत बड़ी बात है। मॉस्को में या फिर रशिया में, वहाँ आपको जाना ही चाहिए, 100% टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। तो ये मैं 100% रिकमेंड करता हूँ रोवेस्निक क्लब, जो रेड स्क्वायर के सामने ही गली जाती है और वहीं पे है इसका अड्डा। ज़रूर जाना, एंजॉय करना और मज़े करना, नए फ्रेंड्स बनाना और बस मॉस्को एंजॉय करना, नाइट लाइफ है ना।